మన వ్యాక్సిన్లను ప్రపంచమంతా నమ్ముతోంది అన్నారు ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ ఎన్నో సవాళ్ల మధ్య దేశీయ వ్యాక్సిన్లు వచ్చాయన్నారు ప్రపంచంలో అతిపెద్ద వ్యాక్సినేషన్ డ్రైవ్ మనదే అన్నారు మన పరిస్థితులకు అనుగుణంగా వ్యాక్సిన్లు తయారు చేశామన్నారు ప్రధాని ఢిల్లీ నుంచి వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా దేశమంతా కరోనా వ్యాక్సినేషన్ ను ఆయన ప్రారంభించారు వ్యాక్సిన్ వచ్చింది కదా అని అజాగ్రత్తగా ఉండొద్దని సూచించారు మోడీ తప్పనిసరిగా రెండు డోసుల వ్యాక్సిన్ తీసుకోవాలన్నారు देश के कोने कोने में ट्रायल्स किए गए हैं ड्राई रन्स हुए हैं विशेष तौर पर बनाए गए कोविन डिजिटल प्लेटफॉर्म में टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन से लेकर ट्रैकिंग तक की व्यवस्था है आपको पहला टीका लगने के बाद दूसरी डोज कब लगेगी इसकी जानकारी भी आपके फोन पर दी जाएगी और मैं सभी देशवासियों को ये बात फिर याद दिलाना चाहता हूं कि कोरोना वैक्सीन की दो डोज लगनी बहुत जरूरी है एक डोज ले लिया और फिर भूल गए ऐसा गलती मत करना और जैसा एक्सपर्ट्स कह रहे हैं पहली और दूसरी डोज के बीच लगभग एक महीने का अंतराल भी रखा जाएगा आपको यह भी याद रखना है कि दूसरी डोज लगाने के दो हफ्ते बाद ही आपके शरीर में कोरोना के विरुद्ध जरूरी शक्ति विकसित हो पाएगी इसलिए टीका लगते ही आप असावधानी बरतने लगे मास्क निकालकर रख दें दो गज की दूरी भूल जाएं ये सब मत करिएगा मैं प्रार्थना करता हूं मत करिएगा और मैं आपको एक और चीज बहुत आग्रह से कहना चाहता हूं जिस तरह धैर्य के साथ आपने कोरोना का मुकाबला किया वैसे ही धैर्य अब वैक्सीनेशन के समय भी दिखाना है ये भारतीय वैक्सीन विदेशी वैक्सीनों की तुलना में बहुत सस्ती है और इनका उपयोग भी उतना ही आसान है विदेश में तो कुछ वैक्सीन ऐसी हैं जिसकी एक डोज पांच हजार रुपया तक में है और जिसे माइनस सेवेंटी डिग्री तापमान में फ्रीज में रखना होता है माइनस सेवेंटी डिग्री वहीं भारत की वैक्सीन्स ऐसी तकनीक पर बनाई गई हैं जो भारत में बरसों से ट्राइड और टेस्टेड है